उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की कांडा इकाई का त्रैवार्षिक अधिवेशन कांडे कन्याल में संपन्न हो गया है। अधिवेशन में ब्लॉक इकाई का चुनाव भी संपन्न हुआ, जिसमें दीपक रावत को दोबारा अध्यक्ष चुना गया है, जबकि हरेंद्र विक्रम सिंह मंत्री तथा पूरन सिंह नगरकोटी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। अधिवेशन में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी पद्मेंद्र सकलानी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों के चारित्रिक विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान बच्चों के शिक्षण कार्य का काफी नुकसान हुआ है। अब स्कूल खुलने के उपरांत शिक्षकों के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनका उन्हें सूझबूझ के साथ मुकाबला करना होगा। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ शिक्षक प्रताप सिंह कपडोला ने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए शिक्षक तथा छात्र हित के लिए कार्य करने की अपील की है। जैसे कि हमें उत्तराखंड राज्य प्राथमिक विद्यालय राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन जिला बागेश्वर के आदेश के अनुसार हम कल 13/2/2021 को हमने नामांकन प्रक्रिया को संपादित किया, जिसमें नामांकन पत्र खरीदने के लिए हमने 1:30 बजे 1:30 PM से 2 PM का आधे घंटे का समय रखा था। उसके बाद नामांकन शुल्क हमने प्रत्येक प्रतिभागी से प्रत्येक उम्मीदवार से हमने 1,000 रुपया लिया, और उसके बाद 2 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक हमने नामांकन प्रपत्रों की जांच की। उस जांच में सभी लोगों के जांच करने के पश्चात हमने सभी जो प्रतिभागी थे, जो उम्मीदवार थे, उनके लिए नाम वापसी लेने के लिए हमने समय रखा, वो भी समय 2 बजे से 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में रखा। लेकिन कार्यकारिणी में जितने लोगों ने भी अध्यक्ष पद हेतु, कोषाध्यक्ष पद हेतु और मंत्री पद हेतु, हमें संपूर्ण इस अवधि इस प्रक्रिया में कोई भी उम्मीदवार हमको ज़्यादा कोई मिले नहीं, सिर्फ हमें एक एक हर पद पर एक एक ही उम्मीदवार हमको प्राप्त हुआ। और उसके बाद और अध्यक्ष पद हेतु माननीय दीपक रावत जी, और मंत्री पद हेतु श्री हरेंद्र विक्रम जी, और कोषाध्यक्ष पद हेतु पूरन सिंह नगरकोटी जी का नामांकन हुआ। और उसके बाद आज 14/2/2021 को अधिवेशन के द्वितीय सत्र के दौरान हमने ये उपरोक्त अध्यक्ष पद हेतु आज अधिवेशन के दूसरे सत्र में मैं मेहरवान सिंह मेहता एक चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर और हमारे साथी चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर श्री चंद्र प्रकाश चंदोला जी, हम अध्यक्ष पद हेतु श्री दीपक सिंह रावत जी को, और मंत्री पद हेतु श्री हरेंद्र विक्रम सिंह जी को, और कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री पूरन सिंह नगरकोटी जी को निर्विरोध निर्वाचित करते हैं। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन के त्रिवार्षिक अधिवेशन के आज इस खांडा कमशार के त्रिवार्षिक अधिवेशन का द्वितीय सत्र दूसरी बार यहाँ पे चुनाव किए जा रहे हैं। इसके मुख्य अतिथि हमारे श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय सकलानी जी, और यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नगरकोटी जी, और हमारे बीच में जिला कार्यकारिणी से इंद्रपाल सिंह धपोला जी, और पूरी जिला कार्यकारिणी और तीनों ब्लॉकों से अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष हम लोगों के बीच में यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी ये कांडा कमशार इकाई एक छोटी सी इकाई के रूप में मानी जाती है। हमारा उद्देश्य इस इकाई का ये रहता है कि हम हर ब्लॉक तक हर अधिकारी को पहुंचा पाएँ, हम हर विद्यालय तक हम जा पाएँ। आज पहले सत्र में हमारा अधिवेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि अभी इसके बाद द्वितीय सत्र में हमारा चुनाव का कार्यक्रम किया जाएगा। जहाँ तक हमारे बीच में पर्यवेक्षक के रूप में चंद्र प्रकाश चंतोला जी और मेहरबान सिंह मेहता जी थे, आप सभी शिक्षकों का बड़ा ही सहयोग हमारे बीच में रहता है। हमारे प्राथमिक शिक्षक संगठन का उद्देश्य ही हमेशा ये रहता है कि हमारे शिक्षक के ऊपर कभी भी कोई परेशानी, कोई अनावश्यक दबाव विभाग द्वारा या फिर किसी बाहरी के द्वारा न डाला जाए। यदि अगर अनावश्यक कोई भी कार्य अगर अनावश्यक हमारे शिक्षक से करवाया जाएगा, अगर कोई दबाव उसके ऊपर डाला जाएगा, तो संगठन हमेशा शिक्षक हित में कार्य करने के लिए आगे रहता है। आज यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे टीचर इसी बात को लेके आए हुए थे, गोल्डन कार्ड के लिए भी हमारे बीच में यहाँ पे बड़ी समस्या रही थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस क्षेत्र के विधायक जी का भी कि उनसे मेरी फ़ोन पे वार्ता हुई और उन्होंने उसके बाद उस गोल्डन कार्ड के शिविर को कांडा ट्रेजरी में शिफ्ट करवाया था, नहीं तो यहाँ पर से सभी लोगों के अपने बच्चों को पूरी परिवार सहित यहाँ से बागेश्वर ट्रेजरी में जाना पड़ रहा था। जो शिक्षक संगठन है
का आज नए सत्र की चुनावी कार्यकारिणी का चयन होना है, नए पदाधिकारियों का चयन होना है। एक साल में कार्यकारिणी ने क्या क्या उनकी क्या उपलब्धियां रहे उस संबंध में यहाँ पे चर्चा हुई है। द्वितीय सत्र में चुनाव का कार्यक्रम संपन्न हुआ, ये यहाँ बुलाया गया था तो मैंने सोचा कि कोविड के बाद बहुत दिनों से अध्यापकों से मिलने का अवसर नहीं मिला है तो इस अपने अध्यापकों तक अपनी बात पहुँचाने का एक बहुत अच्छा मौका है, तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ और अपने अध्यापकों से बातचीत कर रहा हूँ। सीसीएन न्यूज़ के लिए कांडा से पंकज दशीला की रिपोर्ट।